कल वीआईपी के तीन विधायक जो मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह थे, वो बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद से ही लगातार बिहार में राजनीति गर्म है। एक तरफ आरजेडी कह रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी मुकेश सहनी का बारी आया है, तो आगे जो है जेडीयू का बारी आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देंगे और राजद सत्ता में आएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक भाई वीरेंद्र। देखिए खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है कि हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है। इसलिए ऐसा हुआ है, आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे, आने दीजिए, इंतजार कीजिए। अच्छा एक चीज है, आज मुकेश सहनी ने कहा कि लालू जी ने अच्छा काम किया है, वो जेल में है, और उनका सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल टूटेगा। ऑफर दे रहे हैं उनको? देखिए ये ऑफर देने का मामला नहीं है, आप पत्रकार हैं तो क्या समझते हैं मैं अब कोई एलू गैलू नथू खेलू है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अब सोचना चाहिए राजनीति करने के लिए, तो ऑफर देने का कहाँ सवाल है। अच्छा मंत्री, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा किसी को ऑफर की बात नहीं है। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने से ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, मुख्यमंत्री जाने, चूंकि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, इसमें बीजेपी का मामला अच्छा, नहीं है। पीठ पर खंजर तो आप लोगों ने भी मारा था। नहीं नहीं ये सब बात गलत बात है, अब तो पता चल रहा है कि किसने पीठ में खंजर मारा और ये साबित हो रहा है। हम लोग तो केवल बीजेपी के बहकावे में आकर बयान दे रहे थे, आज साबित हो गया और बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है ये दुनिया जानती है, पब्लिक है सब जानती है। तो सुना अपने भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग विपक्ष में होंगे और राजद सरकार में, और इस्तीफा देने के सवाल पर कहा है कि ये मुख्यमंत्री का कार्याधिकार है कि वो इस्तीफा लेते हैं या मुकेश सहनी खुद से इस्तीफा देते हैं। लेकिन इस वक्त जो है लगातार खबरें चल रही है कि मुकेश सहनी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, वो अभी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ बीजेपी फैसला लेती है, क्या मुकेश सहनी को बाहर करवाती है या फिर उनको बनाए रखती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।